अस्सलाम वालेकुम, मैं नीलम और आप देख रहे हैं इस रेसिपी विद नीलम। कैसे हैं आप सब? खुश रहा करें, दूसरों को लाजमी खुश रखा करें। आज हम बनाने जा रहे हैं दो ब्रेड के स्लाइसेस और एक अंडे से बहुत ही जबरदस्त और कमाल का नाश्ता, जो कि सिर्फ 10 मिनट में बनने जा रहा है। और अगर आपका कुछ खाने का दिल नहीं ना कर रहा तो ये वाला नाश्ता लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पैन, पैन में एक खाने का चम्मच ऑयल डाल देंगे। इसके बाद ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। चूल्हा अभी हमने नहीं जलाना। अब हम इसमें ब्रेड का स्लाइस रखेंगे और इसके ऊपर चेडर चीज डाल देंगे। हस्बे जरूरत जितनी इसके ऊपर पूरी आ जाए ना, उसी हिसाब के मुताबिक आपने इसके ऊपर चीज डाल देनी है। अब हमने दूसरा ब्रेड का स्लाइस इसके ऊपर रख देना, हल्का सा प्रेस करेंगे। इसके बाद एक चम्मच ले लेंगे राउंड वाला, या वो जो मेजरमेंट वाला चम्मच होता है ना मिर्चों वाला, वो भी ले सकते हो। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये मिर्च में से डीप हो जाए। तो अब हमने पिज्जा सॉस लेनी है और पिज्जा सॉस एक खाने के चम्मच के करीब लेके इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। अच्छा, पिज्जा सॉस नहीं है ना आपके पास तो आप इसकी जगह कैचअप का भी यूज कर सकते हो, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे और इसके बाद जनाब हमने एक अंडा लेना है और इसको तोड़ के किसी भी छोटी सी बाउल में डाल देंगे ताकि चेक कर लें अंडा खराब ना हो। इसके ऊपर हम अंडा डाल देंगे और अब हमने इसके ऊपर डालना है जी काली मिर्चों का पाउडर हल्का सा, और नमक छिड़क देंगे बिल्कुल हल्का सा। अच्छा, ये नाश्ता जो है ना बच्चों को भी आप दे सकते हो, बहुत ही खुश होके खाएंगे और पिज्जे का थोड़ा सा टेस्ट आएगा और हेल्दी भी है। इसके ऊपर फिर दोबारा से हम चीज डालेंगे, अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे। कहाँ से वीडियो वॉच करते लाजमी कमेंट में बताया कर। ऊपर ओरिगैनो लीव्स भी छिड़क देंगे, चूल्हा जला देंगे। इसके बाद जनाब हम इसमें डालेंगे आधा कप के करीब पानी। अच्छा, पानी से ये खराब नहीं होगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। इसको कवर करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है ताकि अंडा जो है ना वो अच्छी तरह से हमारा पक जाए। अच्छा, स्टीम से अंडा जो है ना वो पकेगा। और ये देखें जी, पानी खुश्क हो चुका है और हमारा जबरदस्त नाश्ता जो है ना वो तैयार हो चुका है ना। झटपट बनने वाला नाश्ता लाजमी तैयार कीजिएगा। अभी हम इसकी कटिंग भी करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना जबरदस्त बना है। तो ये देखें जी, बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही कमाल का नाश्ता बनता है। अगर आपका कुछ खाने को दिल नहीं ना कर रहा तो पिज्जा का थोड़ा सा टेस्ट जरूर आएगा, लास्ट में ट्राई कीजिएगा। अगर आप जर्दी अंडे की कच्ची खाते हैं ना तो थोड़ा सा आपने इसमें 4 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है। अगर आप इस तरह से खाते हैं तो 5 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। तो जबरदस्त सा नाश्ता है, बच्चों को भी ट्राई करवाइएगा, आप खुद भी खाइएगा, मुझे फीडबैक भी दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखा करें, इसी में जिंदगी के जीने का हुनर है। अल्लाह हाफिज।